जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीचिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के टाइप्स में इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन होता है, उसका एक पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं दोस्तों टीचिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि शिक्षण तकनीकी। दोस्तों, शिक्षण तकनीकी ये वही तकनीकी है जो हम क्लासरूम में एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में इंटरेक्शंस के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा जो टीचिंग होती है, वास्तव में हम यही टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब आइए इसको समझते हैं कि टीचिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके लेवल होते हैं। दोस्तों, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीचिंग टेक्नोलॉजी के लेवल, जो शिक्षण तकनीकी स्तर कई बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शिक्षण तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, सिंपल समझिए, दोस्तों टीचिंग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे आप एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें दोस्तों आपके इवैल्यूएशन में, आपके पूरे करिकुलम में, स्कूल्स में, हर एक जगह पर टेक्नोलॉजी। लेकिन जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो केवल जब टीचिंग होती है उस समय टेक्नोलॉजी। तो शिक्षण तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षण तथा तकनीकी, अर्थात शिक्षण के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अतः जब हम अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न तकनीकी साधनों का मदद लेते हैं जिससे शिक्षण एवं अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं, तो उसे शिक्षण तकनीकी कहा जाता है। अब आप कहेंगे, सर शिक्षण में मतलब टीचिंग में कैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों, आप अक्सर देखेंगे आजकल टीचिंग में हमें क्या करना है, बच्चों को आप पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं, बच्चों को आराम से पढ़ाना है, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन जो करना है, साइकोलॉजिकल फैक्ट से, मनोवैज्ञानिक आधार पर बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें मोटिवेट करके, कुछ इनाम दे के, कॉम्पिटिशन करा के, इस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, टेक्नोलॉजी का पार्ट है और इसी का इस्तेमाल टीचिंग टेक्नोलॉजी कहलाता है। इसकी विशेषताएं देखती है दोस्तों, देखिए इसकी विशेषताएं नहीं, योकम और सिम्पसन ने अच्छे शिक्षण के आधारभूत सिद्धांतों को सविस्तार वर्णन किया। इन्हीं सिद्धांतों के कुछ शिक्षकों ने सफल शिक्षण की विशेषताएं कहा था, वो विशेषताएं क्या है देख लीजिए, टीचिंग टेक्नोलॉजी की विशेषताएं देख लीजिए क्या है। अच्छा शिक्षण सीखने में पथ प्रदर्शन की योग्यता होती है। टीचिंग मतलब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो इसकी क्या विशेषता है? तो भैया ये है कि ये पथ प्रदर्शन की योग्यता है। शिक्षण दया व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, इतना पनिशमेंट नहीं कर सकते, मार नहीं दे सकते बच्चों को, दया और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण सहयोगी होता है, सुझावात्मक होता है, जनतंत्री होता है, प्रेरणादायक होता है, दोस्तों प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है, सुनियोजित होता है, मतलब आपको पहले से पता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, आपके पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। शिक्षण बालक के अनुभव को मान्यता देता है, मतलब बच्चे का जो एक्सपीरियंस है उसको आप मान्यता देंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उस आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चे अगर कुछ अनुभव करके आया है तो आप ये नहीं कहेंगे कि तुमने ये गलत किया, नहीं, अगर उसकी कोई गलत अवधारणा है तो उसको सही करेंगे, सही अवधारणा है तो उसकी सराहना करेंगे, मतलब आपको बच्चे का जो खुद का अनुभव है उसकी मान्यता देंगे। शिक्षण के अनुभव को मान्यता देंगे, टीचर अपने अनुभव को मान्यता, शिक्षक एक प्रगतिशील होती है दोस्तों जो हमेशा आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। शिक्षण कठिनाइयों का निदान करता है, शिक्षण उपचार पूर्ण होता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना, शिक्षण आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, शिक्षण मूल्यांकन करता है, अच्छा शिक्षण रुचि और मूल प्रवृत्तियों का विकास, मूल प्रवृत्तियों का मतलब आपके सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता, देखने की क्षमता, महसूस करने, या आपकी जो मूल प्रवृत्तियां उसका विकास करता है शिक्षण। तो ये दोस्तों टीचिंग की क्या हो गई, टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स हो गई, विशेषताएं हो गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, शिक्षण के स्तर की बात होती है, कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। कई बार आपने ये भी हमसे कहा था कि सर इसके बारे में बताइए। तो देखिए, स्मृति स्तर का मतलब क्या होता है, वह लेवल जहाँ पे बच्चों को केवल याद कराना, स्मृति का मतलब मेमोरी का मतलब दोस्तों, मेमोरी लेवल, इसका मतलब मेमोरी लेवल, जहाँ पे बच्चों को केवल याद कराया जाता है, ये मुख्यतः छोटे बच्चों के, छोटे क्लासरूम के बच्चों को किया जाता है। बोध स्तर मतलब बच्चे को समझाना है, ठीक, बच्चे को समझाना है, आप उसको समझने पर बल देंगे, ये थोड़े से और ऊपर के बच्चों के साथ ऐसे स्तर पर पढ़ाई की जाती है। और तीसरा दोस्तों चिंतन स्तर, चिंतन, अब आपने उसको सोचने के, आपने समझा दिया, अब वो अपनी सोच से उसकी कॉन्सेप्ट को विकसित करेगा। शिक्षण के तीनों स्तरों की बौद्धिकता के अनुसार तुलनात्मक दृष्टि निम्नलिखित रूप है कि तुलना की जाए तो स्मृति स्तर सबसे नीचे का स्तर होता है, उसके ऊपर का बोध स्तर, फिर उसके बाद चिंतन स्तर, ये होगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लॉजिकल लेवल। चलिए स्मृति स्तर की बात करें दोस्तों, स्मृति स्तर का शिक्षण सबसे निम्न स्तर का होता है, इसमें विचार नगण्य होते हैं, इसलिए इसे सबसे नीचे स्थान दिए जाते हैं।
दोस्तों इस लेवल में क्या करते हैं, जैसे बच्चे को शुरू में आप देखेंगे कि वो उसे रटाया जाता है, याद कराया जाता है, 2 1 2 2 2 4 वो रट रहा होता है। अब उसमें बहुत ज्यादा उसका समझ नहीं होता कि 2 को हम 2 बार 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 2 को 2 बार जोड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सोचने पर विचार नहीं करता, वो सीधे रटने पर काम करता है। बोध स्तर में अपेक्षाकृत अधिक विचार विद्यमान होते हैं, इसलिए इसे मध्य में रखा गया है, जबकि चिंतन स्तर सर्वाधिक विचारपूर्ण माना जाता है। इस स्तर पर शिक्षण अत्यधिक श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेता है, अतः इसे शीर्ष स्थान प्राप्त है। सबसे श्रेष्ठतम स्तर कौन सा है पढ़ाई का, वो है दोस्तों चिंतन स्तर। अभी वन बाई वन देख लेंगे। चिंतन स्तर पर शिक्षण व्यवस्था तभी हो सकती है जब बोध स्तर पर शिक्षण हो चुका हो, जब दोस्तों सेकेंडरी में पहुंच चुका हो तभी हायर सेकेंडरी में पहुंच सकता है। बोध स्तर का शिक्षण तभी किया जा सकता है जब स्मृति स्तर का शिक्षण किया जाए, ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षण निम्न स्तर से आरंभ करके उच्च स्तर तक लाया जा सकता है। सीधे उच्च स्तरीय शिक्षण करना व्यवहारिक है ही नहीं। अब कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर मैं मैथ का एग्जाम्पल दूँ, तो मान लीजिए किसी बच्चे को आप अगर फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, तो फ्रैक्शन पढ़ाने से पहले उसको बच्चे का टेबल याद होना चाहिए, मतलब उसको याद होना चाहिए कि 2 1 2, ये सब टेबल याद। टेबल के बाद उसको मल्टीप्लाई याद होना चाहिए, डिवाइड याद होना चाहिए, तभी जाके वो फ्रिक्शन कर पाएगा। डायरेक्ट आप उसको फ्रिक्शन नहीं पढ़ा पाएंगे। तो निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक ये पूरा जाने की प्रक्रिया ही शिक्षण कहलाती है दोस्तों, और हम डायरेक्ट किसी एक को स्किप करके नहीं कर सकते। यही इसमें लिखा है दोस्तों कि अगर आप बोध स्तर पर शिक्षण हो चुका है तभी आप दोस्तों चिंतन स्तर पर शिक्षण कर सकते हैं, और आपकी स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुकी है तभी आपको बोध स्तर पर शिक्षण कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए अक्सर जो लोग टीचिंग जॉब स्टार्ट करते हैं तो उनको स्टार्टिंग में स्टार्टिंग क्लास जैसे 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 5 तक के क्लास दिए जाते हैं कि पहले आप इन बच्चों को पढ़ाइए, फिर आप धीरे धीरे। और हालांकि मुझे ये लगता है कि सबसे डिफिकल्ट पढ़ाना छोटे बच्चों के, बाकी आपका क्या अनुभव है आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी तरह नीचे से हम बॉटम से शुरू करते हैं। अब वन बाय वन देख लेते हैं दोस्तों, स्मृति स्तर शिक्षण अगर इसके बारे में पूछता है तो आप इसकी व्याख्या कैसे करें। स्मृति स्तर शिक्षण की क्रिया इस प्रकार परिस्थितियों की रचना करती है जिसमें छात्र पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक को कंठस्थ कर सके, रट सके, ठीक है। विषय वस्तु जितनी सार्थक होती है रटना उतना ही आसान होता है। सार्थक का मतलब जितना समझ में आने वाला, जैसे बच्चों को अगर आप अक्सर देखेंगे तो पेड़ पौधे, खेल कूद, खिलौने, आलू सब्जियां, इस तरीके की कविताएं उनको दी जाती है, ठीक है। तो इस क्योंकि उनको याद करने में आसानी होता है। कंठस्थ करने का बुद्धि से कोई सीधा संबंध नहीं पाया जाता, अतः स्मृति स्तर शिक्षण परिणामों का बुद्धि से सह संबंध नहीं होता, परंतु इस स्तर में शिक्षण बौद्धिक व्यवहार के विकास को बल देता है। आपका दिमाग व्यवहार कैसे करेगा इस पे बल देगा, लेकिन बहुत हद तक संभव तो संबंध नहीं होता। यहाँ पे बच्चों को केवल रटने की बात की जाती है। तो ये बात हो गई दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण की। अब कुछ और देखते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण पर तथ्यों के प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, विशेष ध्यान दिया जाता है, सॉरी, तथ्यों के प्रस्तुतिकरण पे, कैसे आप तथ्य को रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को याद करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि कविताएं जो दोस्तों होती हैं, आलू राजा बहुत बड़े, ऐसे करके मुझे याद नहीं, तो ऐसे करके मछली जल की रानी, हमेशा ऐसी चीजों पर कविता रखी जाती है ताकि बच्चा आसानी से याद कर सके। मानसिक शक्तियों और बौद्धिक विकास की दृष्टि से स्मृति स्तर शिक्षण निम्न स्तर माना जाता है, क्योंकि इसमें शिक्षण अधिगम की क्रिया केवल स्मृति के सहारे होती है, मतलब मेमोरी के सहारे, रटने के सहारे होती है। इस स्तर के बारे में अपने विचार मैरिस एल बिग्गी ने इस प्रकार प्रकट किया। इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दोस्तों इस शिक्षण स्तर में प्रस्तुत तथ्य सामग्री को रट लेने के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। मैरिस एल बिग्गी, इन्होंने इस तरीके से इसको कहा। चलिए, समझ में आ रहा है ना मेमोरी लेवल, स्मृति लेवल का मतलब। अब इसके देखिए कुछ फायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ गुण होंगे और कुछ दोष होंगे। इसे कुछ गुण और दोष को हम समझते हैं। ये है दोस्तों, इस स्तर पर शिक्षण छोटी कक्षा तथा छोटे बच्चों के लिए अधिक उपयोगी होता है, क्योंकि छोटी आयु के मानसिक शक्ति का विकास विकसित नहीं होती है, उतने ज़्यादा डेवलप नहीं होते मेंटली बच्चे, तो इसीलिए उस लेवल पे ये क्लास किया जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में बहुत सारी विषय वस्तु ऐसी होती है जिनके रटना आवश्यक होता है, जैसे गणित के नियम, रासायनिक सूत्र, शरीर रचना संबंधित तथ्य, गणना नियम, ऐतिहासिक घटना, समय चक्र इत्यादि। तो इसमें तो भाई हम कुछ कर ही नहीं सकते ना, इसमें हमें क्या करना है, बच्चों को याद कराना होता है। स्मृति स्तर शिक्षण बोध एवं चिंतन स्तर के शिक्षण के लिए आधार तैयार करता है। स्मृति स्तर शिक्षण तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों के ज्ञान को स्मृति में एकत्र किया जाता है। बोध तथा चिंतन स्तर पर अधिगम के आधार का कार्य आगे की क्लास के लिए, बोध और चिंतन के लिए ये एक आधार का काम करता है। इसमें आप क्या करेंगे, सारे तथ्यों को अपने दिमाग में याद करके रखते हैं।
स्मृति स्तर शिक्षण करते समय शिक्षक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है, ठीक है, बच्चों को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, टीचर को भी। किसी भी विषय के क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को कम से कम समय में अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने के लिए स्मृति शिक्षण अत्यंत अधिक है। मतलब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, बच्चे एक साथ पीछे से बोलते बोलते इसको याद कर रहे हैं, तो ये इसका हो गया फायदे। अब इसके कुछ दोष हैं बच्चों, डेफिनेटली इसके कुछ दोष होंगे। इसके दोष क्या है भाई? यह शिक्षण स्तर मानसिक शक्तियों में बौद्धिक विचार प्रक्रिया को विकसित करने के लिए कोई सहायता नहीं करता। इसमें केवल रटने की बात होती है, बच्चों को बहुत ज्यादा समझने पर बल नहीं दिया जाता। हालांकि आधार जरूर तय कर देता है, आधार जरूर बना देता है आपके बौद्धिक विकास के लिए। रट कर प्राप्त किया गया ज्ञान व्यवहारिक जीवन में प्रायः निरर्थक ही सिद्ध होता है। मतलब वही बात है ना, बहुत ज्यादा बच्चे रट लेते हैं तो उसको अपने जीवन से कनेक्ट नहीं कर पाते। हालांकि छोटे बच्चों को और करना ही क्या है, तो इसीलिए उस लेवल पर ये ठीक है, मगर ये कि इसका डिसएडवांटेज ये भी हो गया कि उसको हमने रटाता है। अब हमें रटाना नहीं है बच्चों को, लेकिन आप क्या करेंगे, छोटे लेवल पर बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है। बहुत अधिक मात्रा में तथ्य ज्ञान को कंठस्थ करना संभव नहीं हो पाता, बहुत ज्यादा बच्चे याद भी नहीं कर पाते। स्मृति स्तर शिक्षण अंत प्रक्रिया की कोई स्थान नहीं मिलती, जिसके कारण छात्रों के व्यक्तित्व का सही विकास मुश्किल होता है। मतलब बहुत ज्यादा उनको कुछ करना नहीं होता, बस याद करना होता है। अभिप्रेरणा का स्रोत सदैव बाह्य होता है, इसलिए छात्र को ज्ञान प्राप्ति आवश्यक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाती है। इस स्तर पर शिक्षण पूरी शिक्षण प्रक्रिया संगठन क्रियान्वयन की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है, शिक्षक पर ज्यादा कार्य होता है, क्योंकि शिक्षक को याद कराना होता है। अब बच्चे को समझ नहीं है मगर फिर भी याद कराना है, जैसे टेबल याद कराने में कितनी प्रॉब्लम होती है, बच्चा अक्सर भूल जाता है और टेबल अक्सर लोग रट के ही याद करते हैं, तो एक शिक्षक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसमें शिक्षक को अत्यधिक शक्ति लगानी पड़ती है। छात्र कई बार अनुशासनहीनता करते हैं या कक्षा में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो इसमें शिक्षक के लिए भी थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज हो गया। अब इससे पहले कि हम चलें दोस्तों बोध स्तर पे, स्मृति स्तर को एक बार और समझ जाते हैं। मेमोरी लेवल का मतलब बस इतना ही आपको जानना है कि यह एक छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए होता है, जिसमें बच्चे को हम अक्सर याद कराने पे बल देते हैं, रटने पे बल देते हैं, इसको समझने पे बल नहीं देते। इसके गुण की, इसके फायदों की बात करें दोस्तों, इसके फायदे ये हैं कि कई ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को याद कराया जा सकता है, गणित के सूत्र हो गए, रासायनिक विज्ञान के फॉर्मूलेस हो गए, इन सारी चीज़ों को याद कराया जा सकता है। और ये दोस्तों एक आधार बनाता है इस शिक्षण के लिए, बौद्ध स्तर शिक्षण के लिए एक आधार बनाता है, ठीक है। अब समझ गए आप, इसी तरीके से आपको अपने शब्दों में बना के लिख लेना है। ये छोटे बच्चों के लिए होती है, छोटे क्लासरूम के लिए होती है। अब उससे ऊपर उठ के दोस्तों बौद्ध स्तर, बौद्ध स्तर क्या है, मध्य स्तर है दोस्तों, इसकी अवस्था मध्य में है। इसको करने के पहले आपको स्मृति स्तर करना पड़ेगा, मतलब आपको कुछ चीजें याद होनी चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। बौद्ध स्तर शिक्षण स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में अधिक विचार युक्त माना जाता है, ये अच्छी अधिक विचार युक्त, इसलिए मानसिक शक्ति एवं बौद्धिक क्षमताओं हेतु स्मृति स्तर की अपेक्षा उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। बोध शब्द को शिक्षण क्षेत्र में अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, कुछ अर्थ इस प्रकार है। बोध स्तर को लोग अलग अलग अर्थ कहते हैं, क्या क्या अर्थ कहते हैं, पहला है कि तथ्यों को स्पष्ट बोध की अनुभूति होना, जो भी सच्चाई है, जो भी तथ्य, उसको समझ जाना। जैसे अगर आप टेबल ही पढ़ रहे हैं तो 2 2 जब 4 कैसे हुआ, क्योंकि आपने 2 2 को जोड़ दिया, 2 2 जा मतलब 2 2 आर, 2 2 हैं तो वो 4 हो जाएंगे, थोड़ा सा इसमें बच्चा समझने लगेगा। तथ्यों की गहनता को समझना, उसकी प्रकृति एवं स्वभाव से परिचित होना, ठीक है, ये समझना है। अर्थ का प्रतिचिकरण करना एवं विचारों को समझना, भाषा में प्रयुक्त होने वाले अर्थों को समझना। तो इस स्तर पे बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा अर्थ को समझने लगेंगे, अर्थ को थोड़ा सा और जानने लगेंगे, उनके व्यवहार को समझ लेंगे। बोध स्तर शिक्षण को परिभाषित करते हुए मैरिस एल विगी ने फिर से अपनी पुस्तक में लिखा, मैरिस एल विगी लिख रहे हैं कि शिक्षकों के लिए अधिगम सिद्धांत में कहा है कि बोध स्तर की शिक्षण वह है जो विद्यार्थियों को सामान्यीकरण तथा विशिष्ट, या दूसरे शब्दों में सिद्धांत तथा अलग अलग तथ्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से परिचित कराने का प्रयास करता है। सिद्धांत तथा तथ्यों में जो आपकी थीरीज निकल के आई है, जो आपका फॉर्मूला निकल के आया है, उसका फैक्ट क्या है, तथ्य क्या है, इसके बीच संबंध कराने की कोशिश करता है। पूरी तरह से नहीं करा पाता लेकिन कोशिश करता है, और यह भी बताता है कि सिद्धांतों को किस तरह से व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है, किस तरह से इसका व्यवहारिक उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई बात बौद्ध स्तर की। अब बौद्ध स्तर के कुछ फायदे देख लेते हैं दोस्तों। इसमें बच्चा समझने लगता है। बौद्ध स्तर के शिक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान अधिक प्रभावशाली होता है, अस्थायी होता है, अधिक समय तक याद रखा जाता है। आवश्यकता अनुसार दोस्तों स्मृति स्तर के शिक्षण से ज्यादा सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, स्मृति स्तर से ज्यादा फायदेमंद होता है, प्रभावशाली होता है, अधिक समय तक याद रहता है, क्योंकि इसमें बच्चा समझा रहता है।
इस शिक्षण के प्रतिमान में विषय वस्तु का बोध गहनता से कराया जाता है। इससे प्राप्त ज्ञान शुद्ध अधिगम होता है, मतलब इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं होती है क्योंकि बच्चे ने समझ के इसको याद किया है। इस स्तर में शिक्षण अलग अलग तथ्य संबंधित ज्ञान के स्थान पर उसके सामान्यकरण रूप को ग्रहण करने पर बल देते हैं। इस प्रकार सामान्यकृत निष्कर्ष, नियम, सिद्धांत विद्यार्थी के जीवन के स्थान में अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। जो भी नियम कानून सिद्धांत पढ़ेगा वो उसको समझ के पढ़ेगा, अपने व्यवहार से जोड़ के पढ़ेगा, तथ्यों से संबंध बना के पढ़ेगा इस स्तर में। अब देखिए कुछ और है दोस्तों, ओके, बौद्ध स्तर के गुण में कुछ और है क्या है, वो है बौद्ध स्तर के शिक्षण में विद्यार्थी को सीखने का कार्य अपनी बुद्धि तथा विचार प्रक्रिया करने का पूरा अवसर देता है। इस स्तर पर शिक्षण विद्यार्थी को उनकी मानसिक शक्तियों का उपयोग एवं विकास करने का भी अवसर देता है। अपने मतलब यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल बच्चा सॉल्व करना शुरू कर देगा, थोड़े उसको सॉल्व खुद से करना शुरू कर देगा। बौद्ध स्तर के शिक्षण द्वारा छात्र में आवश्यक चिंतन मनन तथा समस्या समाधान क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो अपने व्यवहारिक जीवन की समस्या को सुलझा सकता है। इस लेवल के बच्चे जैसे मान लीजिए कोई भी सामान वामान खरीदने जा रहा हो तो कितने पैसे हुए हैं, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे वापस मिलना चाहिए, इतने का सामान है, तो इस चीज़ों को वो व्यवहारिक जीवन में समझने लगता है, उसका उपयोग करने लगता है। इस स्तर के शिक्षण में पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण अधिगम व्यवस्था आदि पूर्ण रूपेण नियोजित क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रहती है। छात्रों को औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मिलती रहती है। मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इनकी जो भी शिक्षा व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी नियोजित होती है, औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया में सहायता मिलती है। कहने का मतलब यह है बौद्ध स्तर का मतलब वो शिक्षण स्तर जहाँ पे बच्चा समझने लगता है, समझ के अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगता है, जो भी सिद्धांत और तथ्य उनके बीच संबंध को समझने लगता है, उसको जीवन में उपयोग करने लगता है। बौद्ध स्तर थोड़ा मध्य लेवल का स्तर है, स्मृति स्तर के बाद की ये प्रक्रिया है। इसमें बच्चा समझ रखा नहीं, मतलब समझने लगता है, बस यही समझिए और उसके बाद लिख डालिएगा, बस काम खत्म इस पूरी चीज़ का। अब लेकिन इसके कुछ दोष देख लेते हैं दोस्तों, इसके कुछ दोष। सबसे उत्तम चिंतन स्तर होता है जहाँ पे लॉजिक बंदा लगाता है, रीजनिंग कर लेता है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ दोष देख लेते हैं वो क्या है। इस स्तर के शिक्षण प्रमुख दोष यह है कि इसमें मानवीय व्यवहारों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि पाठ्य वस्तु में समन्वित अधिक महत्व दिया जाता है। जो भी समझेगा बच्चा वो पाठ्य वस्तुओं को ही समझेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा। मानवीय व्यवहार का मतलब बहुत ज़्यादा आपको समाज के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, दर्शन के बारे में, इस चीज़ के बारे में बहुत नहीं बताया जाता। जो भी जनरल चीज़ें हैं वो आपकी किताब से संबंधित बताई जाती हैं। बौद्ध स्तर शिक्षण भी स्मृति शिक्षण की तरह शिक्षक व पाठ्य वस्तु पर ही केंद्रित रहता है। सूझबूझ की उत्पत्ति भी शिक्षक द्वारा प्रदत्त समझ में होती है, न विद्यार्थियों में अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा। जो भी डेवलपमेंट हो पाता है वो टीचर ही करा पाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा विकसित, क्योंकि बीच के लेवल के ना, अभी यूँ समझ लीजिए कि वो 8 से लेकर 10वीं तक के बच्चे, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। बाह्य अभिप्रेरणा होने के कारण छात्रों में स्वाभाविक रुचि, जिज्ञासा, उत्साह तथा सच्ची लगन का अभाव पाया जाता है। इन गुणों के लिए आंतरिक प्रेरणा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा इंटरनल मोटिवेशन नहीं मिलता है। शिक्षक का स्थान प्रधान, छात्र स्थान गौड़ होता है। शिक्षण प्रक्रिया अध्यापक के हाथ में रहती है। छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने, स्वयं आगे बढ़कर कुछ सीखने, समझने व प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता है, जिससे वो शैक्षिक वातावरण नहीं पाता है जिसकी आवश्यकता सर्वांगीण विकास के लिए। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा खुद से करने पर बल, मतलब जो टीचर कमांड देगा, जो टीचर कंट्रोल करेगा, जो टीचर बताएगा उसी में इनको करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आपने इंटर पास किया या फिर इंटरमीडिएट में आ गए, आप कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, वहाँ पे आपका शुरू हो जाता है दोस्तों चिंतन स्तर, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ पे बस आपको कोई नोट्स भी नहीं बताएगा, जैसे आप बच्चों के क्लासरूम में वो नोट्स आप प्रोवाइड कराते हैं, आपने जो कहा बच्चा वही लिख लिया, वही याद किया, वही एग्जाम में लिखा, उसी के अंतर्गत समझेगा। लेकिन जैसे आप उच्च क्लास में आते हैं, टीचर लेक्चर दे दिया, बस आपको नोट्स खुद से बनाना है, नोट्स आपको अपनी जिस किताब से समझ में आता है उससे बनाना है, उसके आधार पर आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, जैसे सीखना है वैसे सीखिए। तो इसीलिए दोस्तों चिंतन स्तर सबसे बेस्ट स्तर होता है, सबसे उच्च लेवल का स्तर, सबसे प्रभावशाली भी होता है। यह शिक्षण स्तर लेवल ऑफ टीचिंग का आखिरी हिस्सा है। इसमें मुख्यतः उन छात्रों को सम्मिलित किया जाता है जिनका स्मृति स्तर, बौद्धिक स्तर दोनों का विकास हो चुका है, जिनको थोड़े बहुत चीज़ें याद भी हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें समझने भी लगते हैं। चिंतन स्तर शिक्षण छात्रों की चिंतन करने की सहायता करता है। यह छात्रों को वह क्षमता प्रदान करता है जिससे छात्र प्रकरण नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों पहलुओं को समझकर निर्णय ले सके। इस प्रकरण में अगर कुछ नए पात्रों या नए विचारों को सम्मिलित किया जाता है तो प्रकरण के उद्देश्य को किसी तरह प्रवर्धित किया जा सके। अब इस लेवल में उन बच्चों को रखते हैं जो नेगेटिव भी सोच सके और पॉजिटिव भी सोच सके, ठीक है, कोई नई चीज़ें प्रकरण में शामिल की जाती है तो उस प्रकरण को वो समझ सके। तो ये हो गया चिंतन लेवल का दोस्तों। चिंतन लेवल बस यूँ समझिए, चिंतन लेवल एक अपर लेवल है, इसमें बच्चा स्वतंत्र होता है,
टीचर बहुत ज्यादा कमांड नहीं करते, टीचर बस उनको पढ़ा देते हैं या फिर समझा देते हैं, बाकी सीखना समझना उनको अपने मेमोरी लेवल से करना होता है, अपने लॉजिक से करना होता है। देखिए इस शिक्षण इस स्तर पे शिक्षक छात्रों को समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास कंप्लीटली विकास हो जाता है, उसके जीवन में जो भी समस्याएं हैं कंप्लीटली वो विकास हो जाता है, इतना विकसित हो जाता है जिससे भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकालने के हेतु वो तैयार हो सके, कंप्लीटली विकास हो जाता है। यह विद्यार्थी का आलोचनात्मक पक्ष का विकास कार्य है, अर्थात यह छात्रों को समझने में उनकी सहायता करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। भाई क्या सही है और क्या गलत है वो समझ सकते हैं, ना केवल पढ़ाई में भी बस समाज में भी, कौन सी पार्टी सही है कौन सी पॉलिटिशियन पार्टी सही है, ये सारी चीज़ें वो समझ सकते हैं। छात्र की चिंतन शक्ति का विकास कर उसमें सृजनात्मक तत्व का विकास करता है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी ये सारी चीज़ों का डेवलप कर देता है। ये हो गए दोस्तों टीचिंग लेवल की आखिरी स्तर यानी कि शिक्षण स्तर। अब इसके गुण की बात करें तो ये कम्प्लीटली स्वतंत्र होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा समझ के सीखते हैं, ये ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, ज़्यादा प्रत्यक्ष होता है, इसका ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है, इसमें समाज से पूरी तरह संबंध बना लिया जाता है, सही निर्णय सही गलत निर्णय लेने में ये सहायता करता है। तो इस तरीके से अगर इसका गुण भी पूछता है तो आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो तीन स्तर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी लेवल मतलब स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। चिंतन स्तर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, स्मृति स्तर में बच्चों को रटने पर बल दिया जाता है और बौद्धिक स्तर में दोस्तों बच्चों को समझने पर बल दिया जाता है, लेकिन पाठ्य पुस्तक की वस्तुओं को समझ के दिया जाता है, उसके बाहर के लिए सीखने के लिए वो स्वतंत्र नहीं होते, जबकि चिंतन स्तर में वो कम्प्लीटली स्वतंत्र होते हैं, वो बाहरी वस्तुओं को भी सीख सकते हैं, जो भी समाज में चीज़ें चल रही हैं उसको सीख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावशाली चिंतन स्तर होता है, इस तरीके से आपको बना के लिखना है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना। चलिए शिक्षण विधियाँ देख लेते हैं दोस्तों, कुछ मेथड्स ऑफ टीचिंग है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर सवाल ये भी आपसे पूछ लेता है, तो आइए देख लेते हैं शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले शिक्षण विधि किसे कहते हैं दोस्तों, तो शिक्षण विधि मतलब वह विधि है जिसकी सहायता से पठन पाठन का कार्य प्रारंभ एवं संपन्न किया जाता है। शिक्षण विधि के अनुसार ही कक्षा में शिक्षण और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होता है, मतलब वो मेथड वो तरीका वो विधि जिसके द्वारा आप टीचिंग करते हैं। शिक्षक जितनी कुशलता से शिक्षण विधि का प्रयोग करता है कक्षा में उतना ही अच्छा पर्यावरण उत्पन्न होता है शिक्षण अधिगम सीखने के लिए। आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, कितने आसान से शब्दों में ये चीजें लिखी गई हैं, और ऐसे ही आप एग्जाम में लिखिएगा, इससे भी अगर आसान अपने शब्दों में बना सकते हैं तो वो बना लीजिएगा। वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है कि शिक्षण विधि मतलब वह विधि जिसके द्वारा कक्षा में शिक्षण किया जाता है, जिसके द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों से अंतःक्रिया करता है। शिक्षण विधि जितना प्रभावशाली होगा जितना अच्छा होगा कक्षा में अध्ययन के लिए उतना बेहतर पर्यावरण होगा, उतने ही माहौल में। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब आइए कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, जैसे कि व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड। ये आपके अगर आपका दोस्तों चाहे आप फिजिकल साइंस बायोलॉजिकल साइंस मैथमेटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना उसमें भी ये फायदा करेगा, क्योंकि उसमें भी अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है। तो पहला है दोस्तों व्याख्यान विधि मतलब लेक्चर मेथड, ठीक है। दूसरा प्रदर्शनी विधि जिसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, ठीक है। तो ये वो विधियाँ हैं शिक्षण विधियाँ, का इससे संबंधित सवाल आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है, तो आपको इससे वहाँ भी फायदा करेगा, इसको समझ जाइएगा, इसको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। इससे पूछा जाता है सवाल एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी पूछा जाता है और आपसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी सवाल इससे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं भाई वन बाई वन देख लेते हैं व्याख्यान विधि का मतलब, हम बहुत ऐसे चलते हैं। व्याख्यान विधि का मतलब दोस्तों जैसे लेक्चर मेथड इसको कहते हैं, जब क्लासरूम में टीचर लेक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है तो उसमें हम लेक्चर मेथड यानी व्याख्यान विधि कहते हैं। इसमें एक साथ कई ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, इसमें कम समय लगता है, आसानी से पढ़ाया जा सकता है। तो यह वह विधि है जिसके द्वारा प्रयोग प्रत्येक शिक्षण प्रकरण को स्पष्ट करने हेतु करते हैं। इस विधि का उपयोग शिक्षक कक्षा के बाहर भी कर सकता है। यह विधि प्राचीन विधि है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में गुरु अपने शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में बैठा कर इसी के उपयोग से उपयोग किया करते थे। यह विधि सबसे सरल मानी जाती है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे कक्षा अनुशासन में रहता है, मतलब आप समझ के बोल के सबको लेक्चर देके पढ़ा रहे होते हैं, तो इसको हम व्याख्यान विधि कहते हैं। लेक्चर मेथड का समझ में आ गया दोस्तों, जिसे लेक्चर देके पढ़ाना, भाषण के माध्यम से पढ़ाना, बोल के लेक्चर देके व्याख्यान करके पढ़ाना, ये एक प्राचीन विधि है, सरल विधि है, गुरुकुलों में गुरु जी प्राकृतिक में बैठा के पढ़ा सकते हैं, आपको क्लासरूम की भी बहुत जरूरत नहीं है, आप कहीं भी प्राकृतिक में बैठा के पढ़ा सकते हैं। प्रदर्शन विधि का मतलब दोस्तों, प्रदर्शन विधि शिक्षक व्याख्या करने हेतु सहायता करती है और छात्र को स्पष्ट रूप से समझने में भी शिक्षक की सहायता करती है। प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के मध्य प्रकरण से संबंधित दृश्यों को प्रकट करता है और साथ ही वह दृश्य दिखाकर छात्रों को स्पष्ट करता रहता है। प्रदर्शन विधि दोस्तों
व्याख्यान विधि के साथ साथ उसको प्रदर्शन भी करना है। जैसे आप लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर्स के साथ साथ चीजों जैसे बोर्ड पे लिख के पढ़ा रहे हैं या मानचित्र या मैप को दिखा के पढ़ा रहे हैं, तो दिखाने के साथ साथ अगर आप व्याख्यान कर रहे हैं, दिखाने के साथ साथ लेक्चर दे रहे हैं, तो वो प्रदर्शनी विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कराता है। इससे छात्र प्रकरण में रुचि लेते हैं, उनका ज्ञान अस्थायी होता है और यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है या एक माइक्रो मनोवैज्ञानिक विधि। अब इसके गुण और दोष पूछे तो आप लिख सकते हैं आसानी से। व्याख्यान विधि का दोस्तों ये है कि उसके फायदे ये हो गए कि कई सारे बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, क्लासरूम के बाहर पढ़ाया जा सकता है, कम समय में पढ़ाया जा सकता है, इसमें बच्चों की निगरानी ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, दोस्त ये हो जाएंगे कि हर एक लेवल का बच्चा व्याख्यान विधि से नहीं पढ़ पाएगा, हर और कुछ बच्चे इसमें छूट भी सकते हैं और टीचर हर एक बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो ये उसके दोस्तों दोष हो गए। ठीक उसी प्रकार से अगर प्रदर्शन विधि की अगर गुण की बात करें तो बच्चों को अस्थायी ज्ञान मिलता है, देख के जल्दी सीखते हैं, उनको देख के ज़्यादा समझ में आता है, शिक्षक को भी पढ़ाने में सहायता होता है क्योंकि वो दिखा के पढ़ा सकता है। इसके दोष ये हो जाएंगे कि इसमें समय ज़्यादा लगता है और शिक्षक को परिश्रम ज़्यादा लगता है और इसके लिए क्लासरूम की आवश्यकता होती है, बाहर प्रकृति में नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरीके से आपको इसके फायदे और दोष आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है। प्रश्नोत्तर विधि मतलब क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें दोस्तों एक दूसरे से प्रश्न पूछ के पढ़ाया जाता है। यह विधि प्रतिपादन प्लूटो के गुरु सुकरात द्वारा किया गया है। प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के चिंतन स्तर का विस्तार किया जाता है। यह छात्रों की पुनः स्मरण शक्ति का भी विकास करती है, पुनः सोचने पर विकास करती है। इसके प्रयोग से कक्षा अनुशासन में रहती है तथा साथ ही साथ यह प्रकरण को लेकर छात्रों में रुचि बढ़ने का भी कार्य करती है। रुचि बढ़ाने का मतलब क्वेश्चन आंसर, भैया आप ये बताइए, बाबू आप ये बताइए, आप ऐसे बताइए, इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि से समझा। अगर वो उत्तर दे रहा है तो ठीक है, उस उत्तर को हम व्याख्या करेंगे, नहीं दे रहा है तो हम उसको समझाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर विधि हो गई। आगमन विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको दोस्तों, इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं, अरे इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये कई बार सवाल आपसे पूछा जाता है और यूं समझ लीजिए इतना सवाल पूछा जाता है कि इस बार के पीसीएस में, पीसीएस के जो पेपर हुआ था सीसेट का, उसमें इससे संबंधित एक सवाल पूछा गया था। इसका मतलब यूं समझ लीजिए, इस विधि का प्रतिपादन राजनीतिक के गुरु एवं जनक अरस्तु द्वारा किया गया। आगमन विधि में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का प्रकरण की शुरुआत करने से पूर्व छात्रों के मध्य पूर्व ज्ञान से संबंधित धारा प्रस्तुत किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है ना, जब बच्चों को इसको इससे छोड़िए, बच्चों को जब आप पहले उदाहरण बताते हैं फिर नियम बताते हैं, ठीक है, शब्दों को समझिएगा। सीटेट के भी एतबार से एक सवाल तो पूछेगा पूछेगा, आगमन और निगमन, इंडक्टिव और डिडक्टिव दो मेथड होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी, आपके सीटेट के लिए, आपके जीवन के लिए भी। आगमन का मतलब दोस्तों, आगमन का मतलब पहले आप उसको उदाहरण देंगे फिर उसके बाद कोई नियम बताएंगे, पहले एग्जाम्पल देंगे फिर उसके बाद नियम बताएंगे, तो इसको आगमन विधि कहते हैं। अब यूं समझ लीजिए इसको एक और कहते हैं सरल से सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से कठिन की ओर। पहले आप उदाहरण बताएंगे फिर आप उसको नियम की तरफ जाएंगे, उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं, सरल से कठिन की ओर भी कहते हैं। तो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पहले आप एग्जाम्पल देंगे उसके बाद जब नियम बताएंगे तो वो कहलाता है इंडक्टिव मेथड, और इसके विपरीत पहले आपने नियम बता दिया फिर आप उसको उदाहरण देंगे वो कहलाता है डिडक्टिव मेथड। तो देखिए इसको जरा और समझ लेते हैं। हाँ, जिससे पढ़ाए जाने का प्रकरण तक पहुंच जाता है, अर्थात यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात बच्चे का उदाहरण का मतलब जो उनको ज्ञात है, तो इसको हम ज्ञात से अज्ञात की ओर भी कहते हैं। शायद पीसीएस में यही सवाल पूछा गया था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर निम्न में से कौन सी विधि है, आगमन निगमन ऐसे दो चार ऑप्शन दिए थे, तो बड़ा अच्छा सवाल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बस समझ जाइए दोस्तों। ज्ञात से अज्ञात, आसान से मुश्किल, सरल से विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट, सरल से कठिन, इस तरह की विधि। पहले आप एग्जाम्पल देंगे बच्चों को फिर आप पढ़ाएंगे उस तरीके से। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, पहले इसको समझ लेते हैं निगमन को भी, फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। निगमन विधि दोस्तों इसके विपरीत है। इसका प्रतिपादन अरस्तु के गुरु प्लूटो द्वारा किया गया था। यह विधि आगमन विधि के विपरीत है। यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले आपने नियम बता दिया, नियम तो अज्ञात था, अब उसको ज्ञात, उसका उदाहरण देंगे। इसमें सर्वप्रथम छात्रों के मध्य किसी सूत्र या सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात छात्रों को उस स्तर पर ले जाया जाता है जिससे छात्र परिचित हो, अर्थात इस विधि में छात्रों को सिद्धांत के बारे में बताया जाता है, तत्पश्चात अर्थों को स्पष्ट किया जाता है। निगमन विधि का मतलब आपको अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने बच्चे को पढ़ाया, मैं एक्चुअली मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है और मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे सारे एग्जाम्पल मोस्टली मैथ से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे मैंने जैसे मान लीजिए मैंने पहले बच्चे को समझा दिया, उदाहरण दे दिया। उदाहरण में क्या दिया दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैंने उदाहरण दे दिया कि मान लीजिए ये एक रेखा है, ये इसी के समान एक दूसरी रेखा है, ये उसी के समान ये तीसरी रेखा है, और उसी के समान ये चारों, ये चारों जो लाइन्स है वो आपस में बराबर है, तो ये एक आकृति बनाती है। आपने बच्चों को समझा दिया ये चारों जो लाइन्स है वो एक आकृति बनाती है, और इस आकृति को हम क्या कहते हैं, इस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। आपने बता दिया कि पहले हमने एक समान रेखा खींचा, फिर उसी के बराबर हमने ये रेखा खींचा, फिर उसी के बराबर हमने ये रेखा खींचा, उसी बराबर इस तरीके से एक बंद आकृति बन गई जिसे हम वर्ग कहते हैं। तो आपने पहले उदाहरण दे दिया, इसके विपरीत क्या करेंगे, इसके विपरीत आप ऑलरेडी एक ऐसे वर्ग बना देंगे, आप ऑलरेडी एक ऐसे वर्ग बना देंगे, फिर आप बच्चों से कहेंगे इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आप उसको लिख लीजिए, बच्चे लिख लेंगे कि एक वर्ग वो चीज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, बच्चे इसको समझ। फिर आप उसको एग्जाम्पल देंगे कि इसकी एक 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के एक आकृति बनाइए और बताइए कि ये वर्ग है कि नहीं। तो पहले जब आप उदाहरण की समझा के नियम बताएंगे तो वो आगमन विधि कहलाता है, पहले आप नियम बता के फिर उदाहरण बताएंगे तो वो निगमनात्मक विधि कहलाता है, डिडक्टिव मेथड कहलाता है। ये हो गई बात आगमन और निगमन विधि की। अगला मेथड देख लेते हैं, वो है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। अब इसमें दोस्तों इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा व्यवहारिक होता है क्योंकि बच्चे इसमें प्रोजेक्ट करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, टीचर के साथ करते हैं, टीचर इसकी इसमें ज़्यादा भागीदारी नहीं होती है, टीचर बस खड़ा रहता है, सहयोग करता है, वास्तव में बच्चे खुद से प्रोजेक्ट करते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी हैं दोस्तों, किलपैट्रिक स्टीवेंसन आदि के सम्मिलित प्रयास का फल योजना यानी प्रोजेक्ट विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयोगी होता है। इस विधि से पढ़ाने के लिए पहले से कोई समस्या ली जाती है जो प्रायः छात्रों द्वारा उठाई जाती है, और उस समस्या को हल करने के लिए उन्हीं के द्वारा योजना बनाई जाती है छात्रों के द्वारा, और योजना को स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है। इससे इसकी परिभाषा पर इस प्रकार किया जाता है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण में पूर्ण किया जाता है, जो बच्चे खुद से करते हैं, स्वाभाविक करते हैं। बस यूज प्रोजेक्ट मेथड का मतलब बच्चे खुद से अपनी कोई समस्या समझेंगे, खुद से उसकी योजना बनाएंगे, खुद से हल करेंगे, शिक्षक के नियंत्रण में, शिक्षक के देखरेख में। तो ये हो गई दोस्तों प्रोजेक्ट मतलब परियोजना भी। अब बस हम निष्कर्ष करते हैं, निष्कर्ष करने के बाद इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट तो बहुत है दोस्तों, परीक्षा में डेफिनेटली आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो एक जगह मिल जाते हैं और आसान से शब्दों में मिल जाते हैं। तो निष्कर्ष ये है दोस्तों कि शिक्षण विधि वह साधन है जिसके उचित उपयोग से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है और शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि आधुनिक शिक्षा की नवीन आवश्यकता है। वर्तमान परिस्थितियों में समय समय पर शिक्षण के तरीकों में बदलाव किया जाना बेहद आवश्यक है, परंतु समस्त शिक्षण विधियों का लाभ तभी तब है जब शिक्षक उसका उपयोग अपनी कुशलता के अनुरूप करे। इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि जब आप बीएड बनके एक अच्छे शिक्षक बनेंगे, शिक्षिका बनेंगी, तो आप बच्चों को बेहतर पढ़ाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, शिक्षण प्रतिमान द मॉडल्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, शिक्षण प्रतिमान के प्रकार क्या होते हैं, हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, बहुत अच्छे से पेपर हो, पूरी चीज़ आपको समझ में आ जाए। आप भी अपनी तरफ से एफर्ट डालिए, सेल्फ स्टडी करिए, ये जो सारे पॉइंट्स हैं उसके नोट्स लिखिए, उसको बनाइए, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। एग्ज़ाम आपको देना है दोस्तों, मुझे नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।